नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के दोषी को बरी किया और फौरन रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो भाइयों और बेटे की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए एक कैदी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2017 में उत्तर प्रदेश सत्र न्याय अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि के खिलाफ दोषी की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कैदी को बरेली सेंट्रल जेल से तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया। यूपी के बिजनौर में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इरफान उर्फ नाका को भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 302 के तहत दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। आरोप ये था कि पारिवारिक झगड़े में इरफान ने अपने भाइयों और अपने बेटे को आग लगा दी और पीड़िता को कमरे में फंसाकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। मदद के लिए उनकी चीख परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों तक पहुंची, जिन्होंने दरवाजा तोड़कर आग बुझाई और तीनों को बाहर निकाला। पीड़ितों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़िता के मरने से पहले उनके बयान यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड करने में कामयाब रही, जो अभियोजन पक्ष के मामले का केंद्रीय आधार बना। इन मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर सत्र अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 2018 में इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बयानों में कोई विसंगति नहीं पाए जाने के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अपील को खारिज करते हुए और इरफान की मौत की सजा पुष्टि करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने अपने दो छोटे भाइयों और अपने छोटे बेटे को मारने के इरादे से जला दिया है। केवल इस कारण से उसका छोटा बेटा उसकी दूसरी शादी के खिलाफ था और उसका भाई उससे अपने इकलौते जवान बेटे को बाहर निकालने के संबंध में असहमत था। दोषी की मौजूदगी उसके परिवार और समाज के लिए बेहद खतरनाक है। हाईकोर्ट ने मई 2018 में संविधान के अनुच्छेद 134A के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने के लिए स्वतः संज्ञान प्रमाण पत्र दिया। कोर्ट ने देखा कि मौत की सजा अनुच्छेद 21 का मामला है। उसी महीने शीर्ष अदालत की एक अवकाश पीठ ने दोषी की अपील पर नोटिस जारी किया। पीठ ने मई 2022 की अनुमति दी, जिसमें इरफान को दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि दोषी के आचरण के आकलन से अंतिम दलीलें देने में मदद मिलेगी और परिवीक्षा अधिकारी और जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जाएगी। न्याय के हित में अदालत ने अपीलकर्ता के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का भी निर्देश दिया। इसके अलावा दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A के एक सहयोगी से एक स्वतंत्र रिपोर्ट मांगी, जिसे मौत की सजा पाए दोषी तक पहुंच की अनुमति दी गई थी। ये निर्देश जारी करते समय कोर्ट ने, चूंकि अपीलकर्ता को मौत की सजा दी गई है, इसलिए हमारे विचार में मामले में संपूर्ण मूल्यांकन के लिए अपीलकर्ता के चरित्र और व्यवहार से जुड़े पहलू आवश्यक हो गए। पीठ ने पिछले महीने दोषी की ओर से सीनियर एडवोकेट की जो दलीलें हैं और NLUD के प्रोजेक्ट 39A द्वारा दी गई जानकारी और राज्य सरकार की ओर से यूपी के एडिशनल एडवोकेट की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो यह एक इम्पोर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के दोषी को बरी किया और फौरन रिहाई करने का भी आदेश दिया। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दे दूंगा, आप जाकर वहां उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आपको किसी केस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।